एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द सेट बी क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी पीसीएस 2022। हियर वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चन ईच इन एवरी वीडियो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले वॉज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से, एंटी कास्ट मूवमेंट। Which of the following state are leading producers of iron ore in India as per the annual report of Ministry of Mines? Question number 2. Khan Mantralay ki varshik report 2020-2021 ke anusar nimlikhit mein se kaun se do rajya Bharat mein lauh ayask ke pramukh utpadak hain? Odisha and Jharkhand. First and third, as you can see the answer, first and third is the right answer. According to World Happiness Index 2022, what is the rank of India? विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर। सूची एक को सूची दो में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सुल्तानगढ़ी इज एसोसिएटेड विथ बलबन, जो सुल्तानगढ़ी है उसको बलबन से मैच किया जाएगा। लाल महल इज एसोसिएटेड विथ इल्तुतमिस। जमात खान मस्जिद इज एसोसिएटेड विथ कुतुबुद्दीन ऐबक। ढाई दिन का झोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ अलाउद्दीन खिलजी। ये राइट आंसर है डी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज द डेंजरस फॉर एनवायरमेंट? इसमें से कौन सा ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकोलिप्टस। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। वन इज लेबल्ड एज द असर्शन एंड अदर एज द रीजन। नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। During the 20th century, poverty and the poor people have become the subject of our concern and duty. उसके पीछे रीज़न क्या था? रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। Strategically, there was lack of targeted action due to which this issue got a momentum. Select the correct answer from the code given below. यहाँ पर डी वाला जो कोड है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए को सही व्याख्या देता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों कथन जो हमारे दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीज़न जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी 2022? निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? ज्वाला गुट्टा। ऑप्शन बी इज राइट। डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन DDT is which type of pollutant? It is non-biodegradable pollutant. Dichlorodiphenyl trichloromethane DDT एक डैश है, यहाँ पर अजैव अपघटनी प्रदूषक। With reference to 45th World Bridge Championship, which of the following statement is correct? 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आंसर सेलेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। सेकंड, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर पहला आंसर जो है यह सही है, केवल फर्स्ट, यानी आंसर नंबर डी। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स एज द इनेबलिंग
द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व द वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाया? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, जल क्रांति, पानी संसद, हरियाली, इन तीनों में से कोई भी नहीं। डी इज द राइट ऑप्शन। अब ये सेट बी का 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन हम और लेके आएंगे और लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।